स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता, पार्ट 8। टॉपिक है फरिश्ता क्या है। सार रूप में हम कहेंगे फरिश्ता अर्थात आध्यात्मिकता की सर्वोच्च स्थिति, इष्ट देवता समान स्वरूप, सारे विश्व का परिवर्तन करने वाला महान तपस्वी, विचित्र चित्रकार, परमात्मा का चमकीला चमत्कार और शिव बाबा का सुंदर सत्य स्वप्न। तो अब हम भी ऐसे बनेंगे सर्वगुण संपन्न फरिश्ते। नेक्स्ट टॉपिक है कर्मातीत अवस्था। संगम युग में हमारी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक एवं पारलौकिक अवस्था है कर्मातीत स्थिति। यही हमारे पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था है। इस स्थिति का महत्व बताते हुए शिव बाबा ने कहा है, बच्चे संगम युग में निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव होगा और 21 जन्मों ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। संगम युगी अंतिम कर्मातीत अवस्था से दोनों बाप समान अवस्था तुम्हें प्राप्त होती है। कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से अतीत, कर्मों के कोई बंधन नहीं, सर्व बंधनों से परे तथा सदा संपूर्ण सर्व बंधन मुक्त, संपूर्ण देह के बंधन मुक्त, संसार के बंधन मुक्त तथा इंद्रिय के बंधन मुक्त एवं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा, यही है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था व देहातीत संसारातीत इंद्रियतीत अवस्था। पुरानी दुनिया से संपूर्ण निर्बंधन स्थिति, अलिप्त अनासक्त स्थिति एवं संपूर्ण मर्जीवा स्थिति। इसमें पक्की धारणा होती है कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी आदतें, मेरी मन बुद्धि, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते नाते, मेरी विशेषताएं, मान्यताएं अब कुछ भी मेरा नहीं, हिसाब किताब भी नहीं, सब कुछ बाप को समर्पित किया। अब मेरा सिर्फ एक शिव बाबा, इससे इस शरीर में रहते हुए शिव बाप समान संपूर्ण निराकारी निर्विकारी स्थिति होती है और ब्रह्मा बाप समान संपन्नता एवं संपूर्ण समर्पणता स्वतः ही हो जाती है। अतः सिर्फ स्वयं आत्मा का भान और प्रभु पिता की याद शेष रह जाती है। कर्मातीत अवस्था का महत्व व प्राप्ति। शिव बाबा ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था में मन, वचन और कर्म शक्तिशाली होने से एक ही समय तीन प्रकार की सेवा हो सकती है। मनसा से शक्तियों का दान, वचन से ज्ञान का दान और कर्म करते समय शांति, स्नेह आदि गुणों का दान एक ही समय स्वतः ही होता है। फिर अंतःवाहक शरीर द्वारा
सेवा का आधार भी कर्मातीत अवस्था है। अंतःवाहक शरीर अर्थात अंतिम काल का वाहन ही यह अवस्था है। इसके आधार से हम कहां भी जाकर सेवा कर सकते हैं। कर्मातीत अवस्था प्राप्त होने से संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बैलेंस होने लगता है। हर कर्म में अलौकिकता आती है तथा समय, संकल्प, शक्ति आदि खजानों की बचत भी होती है। सो सहज ही हम थोड़े समय में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। कर्मातीत अवस्था की निशानी। पहला पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था की निशानी है, जितनी कर्मातीत अवस्था नजदीक आती जाएगी उतनी शांत स्वरूप में रहने की स्थिति अच्छी लगने लगेगी। उसी समय अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होने लगेगा। शिव बाबा ने बताया है कि इससे संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी। संकल्प किया और हुआ, ऐसी अवस्था स्वतः ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मातीत आत्माएं मनन करते सदा मगन में रहती है, अतः उनकी स्वतः ही निर्विघ्न स्थिति रहती है, तो हमेशा सेवा स्वतः होती है। इसलिए बेहद के सेवाधारी बनते हैं और बेहद के वैरागी भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मातीत स्थिति वाली आत्मा कर्म भोग को कर्म योग में बदलती है। वह अशरीरी स्थिति में सदा रहने से न्यारा बनने का अनुभव करती है। अगर अपनी बीमारी है तो इसके कारण न स्वयं परेशान होती है, न औरों को परेशान करती है, अपने स्वमान में स्थित रहती है। हमारी मीठी दादी प्रकाशमणि जी की अंत में यह कर्मातीत अवस्था हो गई थी। उनको मिलने वाले पूछते थे, दादी तकलीफ हो रही है? दादी कहती थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी व्याधि होने के कारण भी दादी जी देह बंधन से मुक्त थे, क्योंकि वे आत्मिक स्थिति में थे एवं कर्मातीत अवस्था में थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम न्यारेपन की स्थिति में व कर्मातीत अवस्था में सदा है तो शिव पिता ने समझाया है, यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले हैं, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के अधिकारी रूप दोनों साथ साथ साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का रूप दोनों साथ साथ साक्षात्कार होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मातीत आत्मा अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा, अतः उनकी अंतर्मुखता, हर्षित मुखता आदि सर्वदैवी गुणों की धारणा स्वतः ही होती है। वे सर्व के प्रति मास्टर रूहानी प्यार के सागर, रहम दिल, मास्टर वरदाता, शुभ भावनाओं के सागर
ऐसे परम पवित्र पूज्य इष्ट देव आत्मा होते हैं। बाबा ने कहा है, सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं। अभी इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की विधि। पहला पॉइंट है, प्रथमतः कर्मातीत बनने का दृढ़ता से निश्चय करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा आत्मिक स्थिति में रहना व न्यारा और प्यारा साथी और साक्षी मेहमान व महान बनकर रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, निरंतर याद की यात्रा में रहना, सदा इस संसार से उपराम होकर परम धाम में शिव पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले कर्मयोगी बनना है, बाद में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मयोगी बनने के लिए कर्म करते चलते फिरते योगयुक्त होकर रहना है। ट्रस्टी व निमित्त बन हर कर्म अनासक्त बुद्धि से करना है। करावनहार करा रहा है यह धारणा पक्की करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्कापन हो। मन में सभी आत्माओं के प्रति अपनापन शुभ चिंतन और सहयोग सदा रहे। कर्मातीत बनने में आने वाली बाधाएं। पहला पॉइंट है, हमें किसी भी व्यक्ति वैभव वस्तु आदि का सहारा कभी भी नहीं लेना है। ये सहारे बंधन मुक्त नहीं बना सकते हैं। एक प्रभु पिता का ही सहारा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी देहधारी के प्रति लगाव झुकाव है तो कर्मातीत नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, बाह्य मुक्ता में सदा बुद्धि भटकती है तो कर्मातीत कैसे बन सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देहाभिमानी स्थिति है तो कर्मातीत बनने में बहुत बड़ी बाधा है। अंतिम परिवर्तन की महत्व की मनसा व सूक्ष्म सेवाएं कर्मातीत अवस्था के आधार से ही की जाएगी। इसलिए यहाँ स्वयं की तैयारी करने के लिए कर्मातीत अवस्था अति महत्व की व आवश्यक है। प्रत्यक्षता करने के लिए हमें जो साधना करनी है उसमें संगम पर बचत की योजना व तीव्र गति का पुरुषार्थ दो उपविषय महत्व के हैं। सब टॉपिक है संगम युग पर बचत की योजना। हम ब्रह्मवत्सों के लिए सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ सुहावना सुंदर समय यही संगम युग का समय है, जिस समय पर स्वयं भगवान हमारे साथ अपना सर्वोत्तम पाठ बजा रहे हैं। यही पुरुषोत्तम
संगम युग का हमारे लिए भाग्यशाली समय है, क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए प्रभु पिता हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वह हमारा भाग्य बना रहे हैं। इसलिए यह समय का खजाना बहुमूल्य और बहुत महत्व का है। संगम युग की विशेषता यही है। सारे कल्प का प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ इसी समय में करना है। अतः इस समय जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हम करेंगे, उसका 100 गुना फल प्रारब्ध के रूप में विशेष सतयुग और त्रेता युग में मिलने वाला है। अगर हमसे इस समय विकर्म होंगे तो उसका दुष्प्रभाव सजा के रूप में हमें भुगतना पड़ेगा ही। ऐसे ईश्वर पिता ने हमें समय प्रति समय समझाया है। इसलिए इस समय के महत्व को अच्छी रीति समझकर हमें संगम के समय की स्मृति रखकर तीव्र गति का पुरुषार्थ करके इस समय का हर सेकंड सफल करना है। श्रेष्ठ कर्म करके समय का वरदान और सर्व की दुआएं लेकर स्वयं की अवस्था सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ बनानी है और संगम युग में ही परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए हमें योग्यता संपन्न बनना है। स्वयं की उन्नति तथा प्रत्यक्षता करने के लिए अपनी तैयारी करने हेतु बाप दादा से प्राप्त हुए सर्व महत्व के खजाने, प्राप्तियां आदि कैसे बढ़ाने हैं और अमल में लाने हैं, इसका विचार सार रूप में हमने किया। अभी संगम युग पर बचत की योजना के अंतर्गत थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे करनी है, यह चर्चा करेंगे। बाप दादा की हमारे प्रति चाहना है कि हम ज्ञान और योग बल की तपस्या से तपस्वी मूर्त, धारणा मूर्त तथा चलन और चेहरे से दर्शनीय मूर्त बन अंतिम सेवाएं करके बाप दादा के मददगार बने। इसलिए प्रभु पिता को सर्व संबंधों से याद करके अपनी बहुत कमाई करनी है। अतः संगम युग पर बचत की योजना तैयार करके जमा का खाता बढ़ाने के लिए बाबा ने हमें कहा है, बच्चे सारे कल्प की तकदीर की रेखा जितनी लंबी बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। सारे कल्प में एक ही बार आने वाले संगम युग की घड़ियां थोड़ी परंतु बहुत अमूल्य है। स्वयं भाग्य विधाता बाप हमारा भाग्य बना रहे हैं, इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना है। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। सब टॉपिक है बचत की विधि। बचत की विधि यह है कि शिव पिता को अलग अलग संबंधों से प्यार से याद करके हर संबंध के अनुसार गुण, शक्तियाँ, खजाने, धारणा, स्वमान आदि के स्मृति स्वरूप बन हर दिन कर्म करते चलते फिरते निरंतर याद में रहना है। प्रथमतः सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलना है और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा,
हम देवता जरूर बनेंगे। इसके लिए 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनकर ही दिखाएंगे। अब सप्ताह के 7 दिन शिव बाबा को 7 संबंधों से याद करना है। जैसे सत गुरुवार के दिन सत गुरु के नाते से याद करना है तो सद गुरु का पहला पॉइंट है अनादि स्वरूप पवित्रता स्वरूप, दूसरा आदि गुण पवित्रता, तीसरा शक्ति समाने की शक्ति, चौथा खजाना योग, पांचवा धारणा पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणा है, छठवा स्वमान मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, सातवा योगाभ्यास व चार्ट मैंने फरिश्ता स्वरूप में सारा दिन मनसा द्वारा सारे विश्व की सेवा की है। फिर शुक्रवार के दिन पतियों का पति, पहला अनादि स्वरूप सुख स्वरूप, दूसरा आदि गुण मधुरता, तीसरा शक्ति परखने की शक्ति, चौथा खजाना श्वासोश्वास याद में सर्व कर्म करना, पांचवा धारणा दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक बनना है, छठवा स्वमान मैं सुख बांटने वाली सुखदाता आत्मा हूँ, सातवा योगाभ्यास और चार्ट दिन भर सुख स्वरूप आत्मा बन सबको सुख की वाइब्रेशंस दी। इस तरह शनिवार के दिन धर्मराज, रविवार के दिन सखा दोस्त आदि सप्ताह के 7 दिन में माता पिता टीचर सतगुरु आदि 7 संबंधों से शिव बाबा को याद करना है। अतः हर रविवार के दिन शक्ति, सोमवार के दिन प्रेम, मंगलवार के दिन ज्ञान, बुधवार के दिन आनंद संतुष्टता आदि, इस तरह हर हफ्ते में हर दिन के योगाभ्यास से हमारे 7 अनादि 7 आदि गुण 7 शक्तियाँ 7 मुख्य खजाने 7 स्वमान आदि विषयों का योगाभ्यास ज्ञान योग धारणा सेवा स्वमान मनसा सेवा का अध्ययन अभ्यास अच्छा होगा तो हर दिन एक एक रिश्ते से शिव बाबा को उनके अनादि आदि गुण आदि सहित सहज याद करेंगे। इससे मन बुद्धि अंदर ही अंदर बिजी रहेगी तो माया आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो भाग जाएगी और हम मायाजीत बनेंगे। हमारे श्वास समय संकल्प सफल होंगे, हम मनसा वाचा कर्मणा समर्थ बनेंगे। उसके साथ व्यर्थ मुक्त हलचल मुक्त प्रश्न मुक्त भी बनेंगे। अतः हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी व सत्वप्रधान बनते जाएंगे। हम धीरे धीरे ज्ञान योग धारणा और सेवा आदि
प्रमुख विषय में तीव्र पुरुषार्थ करके सहज 80% मार्क्स कमाएंगे, इसमें शिव बाबा हमें 20% देने वाले हैं, सो हमारा पुरुषार्थ 100% होगा और हम फर्स्ट डिवीजन में सहज आ जाएंगे। एवं बाप दादा की कर्मातीत स्थिति के नज़दीक आने की चाहना हम पूर्ण कर सकेंगे। इस संगम पर बचत की योजना का यह अभ्यास तथा चार्ट का अभ्यास सभी ब्रह्मवत्सों के लिए बहुत लाभदायक है। इस विधि से संगम युग पर सर्व खजानों की बचत बहुत अच्छी होगी और जमा का खाता बढ़ेगा। सब टॉपिक है तीव्र गति का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ के लिए आत्मा के उन्नति के लिए जो प्रयत्न मेहनत आदि की जाती है वही है पुरुषार्थ। जब पुरुषार्थ करने की स्पीड तीव्रता से व तेजी से चलती है तब उसे तीव्र गति का पुरुषार्थ कहा जाता है। स्व उन्नति के लिए शिव पिता से सिखाई गई गतिविधियाँ व युक्तियाँ हम अपनाते हैं, वह बार बार अथक होकर करना है। आजकल अव्यक्त वाणियों में बाप दादा हमें पुनः पुनः इशारे दे रहे हैं, बच्चे अभी पुरुषार्थ करने का समय बीत गया, अभी तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है, उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है, ढीला पुरुषार्थ तो बिल्कुल नहीं करना है। आलस्य अलबेलापन से ढीला पुरुषार्थ होता है, इससे इतने थोड़े समय में हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। अतः समय की तेज रफ्तार को देख शिव बाबा ने सिखाया है कि सदा शब्द का प्रयोग पुरुषार्थ करने में सदा लाना है। पुरुषार्थ की गति बीच बीच में चेक करने के लिए प्यारे बाप दादा समझाते हैं और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें प्रभु पिता ने लक्ष्य दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। देवता बनने के पहले हमें फरिश्ता बनना ही है, इसलिए अभी हमें डबल तीव्र गति का फास्ट पुरुषार्थ करना है। तीव्र गति का पुरुषार्थ कैसे हो सकता है, उसका आधार क्या है, यह भी हमें सोचना है। इसमें अब वापस घर जाना है, फुल स्टॉप। योगी स्नेह आदि उपविषय आते हैं। सब टॉपिक है अब वापस घर जाना है। शिव बाबा केवल हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। हमें अपने को व सभी को संपूर्ण पवित्र बनाकर ही पतित पावन परमात्मा के साथ जाना है, इसलिए हमें इस पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल अपना शिव बाबा, अपना घर और अपनी नई दुनिया के अंदर शुद्ध मोह रखना है, उनकी याद में सदा रहना है। इसलिए अब घर जाना है, अब घर जाना है, यही धुन सदा हमारे अंदर लगी रहे। इससे कलियुगी गंदी दुखी दुनिया से वैराग्य आ जाएगा और शिव बाप की तथा घर की याद में सदा रहने का तीव्र गति का पुरुषार्थ होगा।
हमारे कलयुगी स्वभाव संस्कार खत्म हो जाएंगे और महापरिवर्तन के समय हम खुशी खुशी से घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वही संस्कार अभी से हमें अपने और सभी के अंदर भरने हैं। सब टॉपिक है दुआएं। ईश्वर पिता ने समझाया है, बच्चे संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही दुआएं देना दुआएं लेना है। बाप दादा की परिभाषा हमेशा सहज सुंदर और व्यवहारिक होती है। दुआओं का पुरुषार्थ कितना सरल आसान कर दिया है। हमें इस पुरुषार्थ के लिए सिर्फ संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। बाबा ने यह भी सिखाया है कि सबसे दुआएं प्राप्त करना है तो विधि है। सबको अपनापन की शुभ भावना से सहयोग देते रहना है। हांजी का पाठ पक्का करके दुआएं लेनी है। एक दूसरे को क्षमा करके शिक्षा देना ही दुआएं देना है। दादी जी की मौलिक धारणा थी, सबको सम्मान देते हुए स्वमान में रहना है। इससे सबकी दुआएं सदा मिलती रहेगी और हर कार्य में सदा सफलता प्राप्त होगी। इस तरह दुआओं का यह पुरुषार्थ हम सदा बार बार करते रहेंगे तो बाबा ने सिखाया है, ये दुआएं ऊंची स्थिति के प्रति ले जाने के लिए लिफ्ट का काम कर सकती है। दुआओं का आधार है पुण्य कर्म। जितना हम पुण्य कर्म करेंगे उतनी दुआएं हमें मिलती रहेगी। हमें हर संकल्प वचन कर्म से दुआओं की कमाई होगी। अगर दुआओं के आधार से हम बाबा के बच्चे तीव्र गति का पुरुषार्थ करते रहेंगे, सबको दुआएं सदा देते रहेंगे व सबसे दुआएं लेते रहेंगे तो सारे विश्व का माहौल सुख शांति शक्ति से सुंदर बन जाएगा तथा बहुत सुखदायी वातावरण तैयार होगा और स्वर्ग की स्थापना का समय बहुत नजदीक आ जाएगा। सब टॉपिक है फुल स्टॉप योगी। तीव्र गति के पुरुषार्थ का एक महत्व का आधार है फुल स्टॉप लगाना। इसलिए मीठे बाप दादा ने हमें समय प्रमाण फुल स्टॉप योगी बनने का इशारा किया है। अव्यक्त मुरली की डेट है 30 नवंबर 2008। वस्तुतः सारा दिन कार्य व्यवहार में हमारे बहुमूल्य खजाने समय संकल्प शक्ति आदि व्यर्थ के खाते में जमा हो जाते हैं। हम साथी और साक्षी होकर यदि ड्रामा में दूसरों का पार्ट देखते रहे और अपना पार्ट बजाते रहे तो हम व्यर्थ मुक्त जरूर बनेंगे, लेकिन 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार अर्थात पर दर्शन पर चिंतन हमें व्यर्थ मुक्त नहीं बना देते हैं। इसलिए बाप दादा हमें सिखाते हैं, बच्चे अभी समय बहुत थोड़ा है, अतः इस ड्रामा के अंदर भूतकाल में जो हुआ उसको मत सोचो, याद नहीं करो, फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। आप और बाप बिंदी और यह ड्रामा फुल स्टॉप बिंदी, इन तीन बिंदुओं को सदा स्मृति में रखो।
इससे हम व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। सो सुबह से रात तक इस व्यर्थ को हम फुल स्टॉप लगाते रहेंगे और रात को बाप दादा को गुड नाइट योग के समय देते रहेंगे। 21 दिन यह सीधी साधना करते रहेंगे तो सदा फुल स्टॉप लगाने की आदत पड़ जाएगी। वह हमारा ध्यान फुल स्टॉप लगाने में हमेशा रहेगा और हम फुल स्टॉप योगी बन जाएंगे। इससे मन में खुशी, शांति तथा हल्कापन धीरे धीरे आ जाएगा। दिनचर्या में और अमृत वेला व नमः शाम योग में यह अभ्यास करके फुल स्टॉप योगी हमें जरूर बनना है और बार बार यह डबल तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह साधना अंतिम सेवाओं के समय बहुत काम आएगी। अच्छा, ओम शांति।